मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से मसाले मैंने बनाए हैं और आप सबको मसाले बहुत ही पसंद आते हैं। आज फिर से एक और मसाला बनाएंगे, गरम मसाला। सभी के घरों में यूज होता है, बहुत बढ़िया मसाला बनेगा, बाजार से लेना भूल जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देती हूँ। चलिए फटाफट तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना गरम मसाला। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट और इसमें डालेंगे अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। जीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गरम मसाला बनाने के लिए। तो ये हमने छोटा स्पून लिया है जिससे हम खाना खाते हैं, इसी की मेजरमेंट से हम सारी मेजरमेंट जो है लेने वाले हैं। तो हम इसमें डाल देंगे भरकर 10 चम्मच जीरे के। तो लीजिए, हमने 10 चम्मच जीरे के डाल। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। तो जितना आप मसाला बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे जीरे का मैंने 10 चम्मच लिए हैं, तो आप अगर 20 चम्मच लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है काली मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब हम इसमें डालेंगे मोटी इलायची। इसमें हम 10 से 12 मोटी इलायचियाँ डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लौंग। तो हम इसमें 1.5 स्पून जो है लौंग डालेंगे, यानी कि 1.5 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी। दालचीनी की अगर लंबी स्टिक्स हो आप 4 स्टिक्स डाल सकते हैं। मैं इसमें स्पूंस के हिसाब से डाल रही हूँ, तो इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 चम्मच। तो 3 चम्मच हमने इसमें दालचीनी की डाल दी है। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं पड़ती हैं, इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 5 से 6 हम इसमें तेज पत्ते डाल देंगे। इसको हमने ड्राई रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इसी तरह से हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस देंगे। अब हम लेंगे मिक्सी का सबसे छोटा वाला जार जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, और ये सारे मसाले जो हमने इकट्ठे किए हैं एक प्लेट में, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और इन सबको पीस लेंगे। इस तरह से बंद करेंगे और दोबारा खोल लेंगे। 3-4 बार हम इसी तरह से बंद करके खोलेंगे और इस तरह पीसेंगे, एकदम से लगातार नहीं पीसेंगे। तो मसाला पिसके तैयार हो गया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही बढ़िया मसाला बना है। ये देखिए इस तरह से, ये कुछ दरदरा सा मसाला है, इसी तरह से ये मसाला होता है, बहुत ही टेस्टी मसाला होता है ये। इससे जो सब्जियों का स्वाद जो है दुगना हो जाता है। इस मसाले की बहुत ही बढ़िया जो है खुशबू है, और ये खुशबू जो है कायम रहती है। अगर हम इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रखें तो लंबे समय तक इसमें जो तो खुशबू इसमें ऐसी रहती है जैसे जो है आपने मसाला फ्रेश ही बनाया हो। बहुत ही बढ़िया मसाला बनता है ये। मेरे नोन में जिस जिसने ये मसाला बनाया है, उन्होंने बाज़ार से ख़रीदना तो मसाला बिल्कुल बंद कर दिया है और यही मसाला बनाते हैं। इतना टेस्टी ये मसाला है, सभी सब्जियां इससे जो है बहुत ही बढ़िया टेस्टी हो जाती है। ये मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर बंद कर कर रखें, बहुत लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे बिल्कुल भी ओपन में ना रखें, खुला ना रखें। नमकदानी में जैसे निकाल लेते हैं हम सारे अपने स्पाइसेस, उस तरह से ना रखें। इसको एयरटाइट कंटेनर में बंद कर कर ही रखें। इसकी खुशबू जो है उसी तरह से बिल्कुल कायम रहेगी, बहुत ही फ्रेश रहेगी, जैसे कि आपने फ्रेश मसाला बनाया है। इसी तरह से इसको बंद कर कर रखेंगे, इसकी खुशबू लंबे समय तक वैसे ही रहेगी। सबसे बड़ी खासियत इस मसाले की ये है कि इसको आप व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी व्रत के में खाना बनाएं आप ये डाल लें, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसमें धनिया नहीं हमने डाला हुआ है, बाकी बाजार के मसाले जो हम लेते हैं उसमें धनिया रहता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं व्रत में भी। तो ये मसाला बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल खुशबूदार मसाला है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखें, किसी भी नमकदानी में मत रखें, खुला मत रखें इसको, तो इसकी खुशबू जो है महीनों महीनों रहे। तो ये गर्म मसाला बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए मुझे ज़रूर बताएं, कौन सा मसाला चाहिए, कोई भी रेसिपी आपको चाहिए हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं जल्दी उसकी वीडियो जो है लेकर आऊँगी। तो ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो इसको खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि रोज़ की अपडेट जो 12 बजे पड़ती है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।